आज मैं मौजूद हूँ W9 के मेरे स्टॉप पर और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बाइक की मशहूर तवा खरीदी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब नाम बताओ अपना। मेरा नाम है कैसर खान। कैसर खान जी, जी। कैसर खान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है बड़े मस्करे हो आप। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश मिजाज। शुक्र जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है, बंदे को खुश मिजाज होना चाहिए। आवाम भी बड़े खुश है और मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, कलेजी लगाते हुए कितना अर्सा हो गया? यार कम से कम मेरा 23 साल हो गए इस फील्ड में। इस फील्ड में जी जी 23 साल। कितना? यहाँ पहले वाली साहब थे और बाकी उसके बाद मैं आया हूँ, 23 साल मेरे हो गए। 23 साल आपको? जी जी। कितनी कलेजी बेचते यार? कम से कम 18 से 20 किलो माल निकलता है। 18 से 20 किलो? तो बीफ की होती है ये? सारी बीफ की माल है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मसाले डाल वगैरह? इसमें खड़े मसाले। खड़े मसाले? जी जी, खड़े मसाले। अच्छा, और बस अल्लाह पाक ने जायका डाला इसमें और आवाम आ रही है। और साथ में मैं देख रहा हूँ दो तरह की चटनी वगैरह। ये एक लहसुन का पानी है और दूसरी चटनी है चाट मसाले की। अच्छा, पीसी हुई मिर्ची है या वाम जब टेस्ट काटी है तो फिर वो डाल लेते हैं। सही जी, ले रहा प्लेट है। अच्छा भाई, और साथ में आप चपाती? जी, चपाती भी है और बर्गर भी है मेरे पास। सही हो गया, मैं आप ज़रूर टेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा एड्रेस बता दो हमारे व्यूवर्स को। हमारा एड्रेस है नॉर्थ कराची, W9 स्टॉप। W9 मेन स्टॉप है। जी जी जी, मेन स्टॉप पे लगा रहे हैं W9 के और उनको तकरीबन यहाँ पे कोई 23 साल हो चुके हैं ये कह रहे हैं। विक्की भाई, आपने बड़ी तारीफ की थी इसकी, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा है कि आपने इसकी ट्राई की भी और मैंने नहीं की। सही है, मुझे बड़ी मसालेदार और जो ना और स्पाइसी लग रही है। स्पाइसी तो है भाई, स्पाइसी खा लेते हो ना? स्पाइसी मैं खा लेता हूँ भाई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल स्पाइसी में खा लेता हूँ। तो अभी खान साहब से, खान साहब जी गरम लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। चपाती के मसाला कब खाओगे? नॉर्मल रखना, ज़्यादा तेज़। यार मसाला जो है ना वो देख के तो भाई मुंह में जो है ना वो खड़े मसाले हैं इसमें। मतलब यार सौंफ वगैरह तो जो है मुझे ऐसी नज़र आ रही है इसमें कुछ। भाई इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है ना, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल हुआ हुआ है और सौंफ का इस्तेमाल है, और इसके अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, इसके अंदर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है। खान साहब कसूरी मेथी डाली है तुमने? जी जी, मेथी डाली है। ट्राई करूँगा मैं भाई। ये छुट्टी मैंने आपको अलग दी थी विक्की, आपके लिए। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खा पहले चेक करते हैं बगैर चटनी के कैसा है। मतलब कि दिखने में जो जितनी स्पाइसी लग रही थी एक्चुअली में उतनी है, उतनी नहीं है। इतनी देख के लग रहा था कि बहुत स्पाइसी होगी, तो खान साहब ने जो चटनी इसमें ऐड नहीं करी वरना और स्पाइसी हो जाता। ये सिर्फ चाट मसाले की चटनी है। चटनी के साथ चेक करते हैं। भाई लाजवाब चटनी के साथ लाजवाब कर दिया इसने। चपाती नहीं है चटनी के साथ जो है ना, मसाले वाली और ये नॉर्मल तुम बता रही है ये। अच्छा, इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा है और कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा है और हरी मिर्चें भी डली हुई हैं।
लेकिन वो क्रश हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है अपना। लेकिन वाकई विक्की भाई टेस्ट जो है वो इसका लाजवाब है, क्योंकि खड़े मसाले इस्तेमाल हुए हैं, गरम मसाला है इसके अंदर। मैं बन के साथ भी ट्राई करना चाहूँगा। बन के साथ, बन के साथ जो है ना इसकी थोड़ी सी मिर्चें कम हो जाएंगी, स्पाइस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा दब जाएगा। ये आपका बन गया, बन भी इन्होंने जो है वो तवे पे सेक के दिया, उसी मसाले के अंदर जो है वो सेक के दिया, कलेजी के मसाले में सेक के दे दिया इन्होंने। मैं भी थोड़ा स्पाइसी बना रहा हूँ, ये मजीद स्पाइसी बन रहा है और छींटे आ रही है उड़ के इधर ना। आप मजीद मसाला ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर, वो ऑप्शन मौजूद है। एक इसका अलग ही लेवल है स्पाइस का और ऊपर से भाई आप बन के साथ ट्राई करो, मतलब उसका अलग ही लेवल आ रहा है। बन के साथ ट्राई करके देखते हैं फिर। देखिए इसमें बोटी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जो है ना न्यारी बन गई कोरमा। ये हमारा जनरल, ये देखिए भाई जबरदस्त यार, बन के साथ तो मतलब एंड हो गया यार। यार ये तो मैंने भी ट्राई नहीं किया था कभी, ये तो भाई आपने मुझे नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है। नहीं यार मैंने अक्सर कलेजी वालों को देखा है जो कि बन के साथ जो है वो सर्व करते हैं, तो ये कलेजी वाला बर्गर भी सुना है यार मैंने। बेसिकली इनके पास होता है बर्गर, कलेजी वाला बर्गर भी होता है, मैं देखा भी बना रहे थे। आप भी आ जाए खा लें भाई, हमारे कैमरामैन हमें मुँह चला रहे। तो भाई आप लोग ज़रूर यहाँ पे विजिट करें, बहुत इजी एड्रेस है। ज़रूर नॉर्थ कराची में W9 का स्टॉप बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये नियर अजमेर नगरी के पास से बिल्कुल एक स्टॉप का मार्केट, और बिल्कुल मेन स्टॉप के कॉर्नर पे ये मौजूद है। अभी मैं आपको यहाँ की लोकेशन भी दिखा दूँगा, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत टेस्टी, बहुत मसालेदार। आप नॉर्मल स्पाइसी भी रख सकते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी उसको खाना है वो भी खा सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना बनता है। मैं लोकेशन अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि इजीली आप लोग यहाँ पहुँच सकें। अच्छा कैसी बनी है, आपने कुछ बताया नहीं? मैंने बता चुका, आपको भी मैं बताया था, बहुत आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त। आउट क्लास, बहुत आउट क्लास, आउट क्लास मतलब आउट स्टैंडर्ड भाई। इसी के साथ अपनी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भाई सब्सक्राइब आप लोग जरूर किया करें, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिलेगा। ठीक है आप बातें करें भाई, मैं तो खा रहा हूँ यार, इससे नहीं रुका जा रहा भाई। इसी के साथ वीडियो का इंतजाम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।